नमस्कार, मैं जसप्रीत। मैं पंजाबी के मकबूल गायक और शायर सतेंद्र सरताज साहब की लिखी रुबाई पढ़ूंगा। रुबाई दे से जनरली कंप्राइजेज ऑफ फोर लाइन्स विद फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ लाइन हैविंग द सेम राइमिंग वर्ड्स। और इसके बोल हैं मुकम्मल कदेना मेरे कोल आया, यानी मुकम्मल पूरा तो इंसान कहीं पर भी मौजूद नहीं होता, ना घर पर, ना काम पर, ना माँ के पास और ना ही महबूब के पास, आज के दौर में खासकर। तो वो लिखते हैं, मुकम्मल का देना मेरे कोड़ आया, हमेशा रहा थोड़ा थोड़ा पराया, वेदे में गादस की फे उठे सफाइयां, खुदा नू जदों तेरा किस्सा सुनाया, मुकम्मल कदे ना मेरे कोल आया, हमेशा रहा थोड़ा थोड़ा पराया, वेदे में गादस की फे उत्ते सफाइयां, खुदा नू जदों तेरा किस्सा सुनाया, दुमेला ते धरती अंबर नाल जुड़ गई, ए गल शाम तक सारे जंगल च उड़ गई, के छत ते उदासी दी चुन्नी जो वेखी, खुशी दी खबर साडे वेड़े तो मुड़ गई, दुमेला ते धरती अंबर नाल जुड़ गई, ए गल शाम तक सारे जंगल च उड़ गई, के छत ते उदासी दी चुन्नी जो वेखी, खुशी दी खबर साडे वेड़े तो मुड़ गई, तू भावें जिगर ते कई वार करते, मुहब्बत देना तो खबरदार करते, मगर ते थो कुछ ता नियामत मिली है, मेरे हर्फ आखर असरदार करते, तू भावें जिगर ते कई वार करते, मुहब्बत देना तो खबरदार करते, मगर ते थो कुछ ता नियामत मिली है, मेरे हर्फ आखिर असरदार करते, गुलाबी गुलाबी हवाई कितों, नशे वाली हालत एक करवाई कितों, कि दसीए जो सरताज नू लोग की पुछ दे, रुबाई लिखण दी कला आई कितों, गुलाबी गुलाबी हवा आई कितों, नशे वाली हालत ए करवाई कितों, कि दसीए जो सरताज नू लोग की पुछ दे, रुबाई लिखण दी कला कितों, मुकम्मल कदे ना मेरे कोल आया, हमेशा रहा थोड़ा थोड़ा पराया, वे देवेंगा दस की फे उत्थे सफाइयां, खुदा नू जदों तेरा किस्सा सुनाया। थैंक यू।